ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हम ओपन होंगे एंड ऑल फोटोज में जाकर अपना बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद एफएक्स में जाकर हम ब्लर ऑप्शन पर जाएंगे एंड लेंस ब्लर सेलेक्ट करेंगे एंड लाइटनेस ऑप्शन होगा उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे एंड बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमको ऐड फोटो पर जाकर कैमल की पीएनजी ऐड कर लेनी है एंड अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद राइट पर हम क्लिक कर देंगे। एफएक्स में जाकर हम लेंस ब्लर जाकर उसी तरह से हमें फिर से करना है, लाइटनेस को जीरो कर देना है एंड बैक जाकर राइट पर क्लिक कर देना है। अभी हमारा जो कैमल है वो फुली तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है, अभी इसमें साइड लेयर्स दिख रही हैं, इसलिए हम फिर से एफएक्स में जाकर ब्लर ऑप्शन पर जाकर लेंस ब्लर को चुनेंगे एंड लाइटनेस को ज़ीरो कर देंगे एंड रेडियस को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड राइट पर क्लिक करेंगे एंड अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ साथ कैमल भी ब्लर हो चुका है। एंड अब हम ऐड फोटो पर जाकर अपने कट की हुई इमेज को ऐड कर लेंगे। गाइज अगर आपको कटिंग करना नहीं आती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अच्छी तरह से कटिंग की वीडियो ला सकें। मॉडल को लाने के बाद मॉडल में जो साइड एजेस रह जाती हैं उसको अच्छी तरह से इरेजर से रिमूव कर देंगे, एक भी एजेस रह ना जाए ताकि बिल्कुल भी फोटो फेक ना लगे। हार्डनेस को हम बढ़ा लेंगे इरेजर की, जिससे स्मूथ लाइन एजेस एकदम अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। जहाँ जहाँ भी हमारी एजेस ख़राब हो रही हैं सारी हम स्मूथ कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से एंड सारा सेट करने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे एंड राइट पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टूल्स में एंड क्रॉप ऑप्शन में एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम नेक्स्ट कैमल की पीएनजी लेंगे, ऐड फोटो पर जाकर एंड इसको मॉडल के आगे हमको लगा देना है एंड राइट पर क्लिक करना है एंड हमको एफएक्स में जाकर ब्लर में जाकर लेंस ब्लर में जाकर लाइटनेस को कम करने के बाद इरेजर पर क्लिक करेंगे एंड हम ब्लर जिस ब्लर को हमने सेलेक्ट किया है हम उस ब्लर को अच्छी तरह से कैमल के ऊपर, ओनली कैमल के ऊपर ब्रश चला देंगे ताकि कैमल के ऊपर ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो जाए। अच्छी तरह से हमको चलाना है ताकि जो मॉडल है वो हमारा फोकस में लगे एंड कैमल जो है वो अनफोकस रहे एंड राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम ब्यूटी में जाकर लेंस सेलेक्ट करेंगे एंड हम मॉडल की आईज में लेंस लगाएंगे। लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है लेंस एंड ये दो राउंड राउंड आएंगे, उनको हमें मॉडल की आईज के लेंस पर बिल्कुल परफेक्टली सेट कर देना है, थोड़ा भी बाहर नहीं होना चाहिए एंड राइट पर क्लिक करेंगे एंड जो भी कलर लेंस का आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। इरेजर पर क्लिक करेंगे एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे इरेजर से एंड राइट पर क्लिक करेंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद लेंस पर क्लिक करेंगे, उसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे एंड राइट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं
मॉडल की आइज एकदम अच्छी लग रही है। फेस पर स्मूथ लाने के लिए स्मूथ ऑप्शन पर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ कर देता है इसलिए हम इसकी स्मूथनेस को थोड़ा कम कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली स्मूथ हो चुका है। नेक्स्ट स्मूथ के लिए हम जाएंगे फेस पिक्स पर, फिक्स ऑप्शन पे जाके पूरे चेहरे पर हमको ब्रश चला देना है। एंड आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली स्मूथ हो रहा है। जहाँ जहाँ भी आपकी मर्जी है स्मूथ करने की वहाँ वहाँ आप इसको चला सकते हैं। एंड राइट पर क्लिक कर देंगे। एंड राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम इस इमेज को ड्रॉ में जाकर सेव कर लेते हैं। एंड गाइस अब हमारा नेक्स्ट जो वर्क होगा वो लाइट रूम ऑप्शन के अंदर होगा, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सो हमने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर लिया है। हम प्लस के आइकन पर जाएंगे और जो हमने अभी पिक्सआर्ट से एक्सपोर्ट जो किया था इमेज उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पर ही आएगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देंगे। फिर हम ऑल फोटोज़ पर जाएंगे और अपने ऐड किए हुए इमेज पर जाएंगे। एंड हम इसकी रीटचिंग करेंगे। सो हमें जाना है पहले कलर्स पर एंड वाइब्रेंस को हम बढ़ा देंगे, नॉर्मली बढ़ा देंगे। एंड मिक्स पर जाएंगे, ऑरेंज टोन को सेचुरेशन कम करके ल्यूमिनेंस बढ़ा देना है। एंड अब हमने शर्ट का सेचुरेशन को कम करना है ताकि वो बैकग्राउंड से मैच हो जाए, तो ब्लू टोन पर जाकर उसकी सेचुरेशन को कम करके ल्यूमिनेंस को हल्का सा कम कर देंगे, ल्यूमिनेंस को हल्का सा कम कर देंगे। एंड अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड से मॉडल एकदम परफेक्टली मैच हो चुका है। एंड अब जाएंगे डिटेल्स पर, शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे एंड थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन करके उसकी डिटेल्स बढ़ा देंगे। एंड हम बैक आ जाएंगे एंड इफेक्ट पर जाते हैं, थोड़ी सी हम क्लियरिटी बढ़ा लेते हैं एंड विजिबिलिटी को कर देते हैं थोड़ा सा कम। एंड सी फोटो एकदम परफेक्टली होगा। इसको सेव करने के लिए हाईएस्ट क्वालिटी पर हम सेव कर सकते हैं।